हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 के सारे सम्स सॉल्व कर लिए हुए हैं, आज यहाँ पे हम अगला एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि टोटल बेस्ड ऑन डिस्काउंट से रिलेटेड होगा। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे 5 से 6 फॉर्मूले की ज़रूरत है। इन फॉर्मूलों को आप अपने माइंड में सेट करके रख लीजिए। अगर आपके माइंड में सेट है तो हमारा 1.2 बहुत ही इजी होगा। ठीक है, अब हमारे पास देखिए यहाँ पे कुछ अब्रिविएशन वर्ड दिए हुए हैं जिसका हम शॉर्ट फॉर्म यूज करने वाले हैं। यहाँ पे जैसे कि हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट वर्ड को हम PW से दिखाने वाले हैं, सम ड्यू को हम HD से दिखाने वाले हैं, सम ड्यू को हम फेस वैल्यू भी बोलते हैं या फिर अमाउंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रू डिस्काउंट को हम TD से दिखाने वाले हैं। BD इज व्हाट बैंकर डिस्काउंट एंड BG इज व्हाट बैंकर्स गेन। ठीक है, चलिए अभी जो शॉर्ट वर्ड है इनका थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ये वर्ड्स हैं क्या। जैसे कि मान लो हमने किसी से लोन लिया हुआ है तो वो लोन अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वर्थ बोलते हैं। ठीक है, अभी जो हमने लोन अमाउंट लिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारे पास है, हमें कुछ टाइम के बाद, एक पीरियड के बाद हम उसको रिटर्न करेंगे। जो भी रिटर्न होगा अमाउंट, उसको हम क्या बोलेंगे, सम ड्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सम ड्यू बोलेंगे या फिर फेस वैल्यू बोल सकते हैं या फिर उसको हम अमाउंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, हम कुछ टाइम के बाद उसको जब रिटर्न करने वाले हैं, एक पीरियड के बाद रिटर्न करने वाले हैं, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट के पीछे हमें इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसको हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो सम ड्यू अमाउंट हमारा हो गया क्या, कि जो प्रिंसिपल अमाउंट था और उस पर जो हमें इंटरेस्ट देना पड़ा, उन दोनों को प्लस करेंगे तो एक टाइम के बाद हम उसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे सम ड्यू बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे पास इंटरेस्ट होगा उसको हम क्या बोलने वाले हैं, यहाँ पे ट्रू डिस्काउंट बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू डिस्काउंट। मीन्स वॉट, प्रेजेंट वर्थ इज अ प्रिंसिपल, इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट इज वॉट, ट्रू डिस्काउंट। जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे एक टाइम के बाद, जब हम उसको रिटर्न करने वाले हैं अमाउंट, उसको हम क्या बोलने वाले हैं, सम ड्यू बोलने वाले हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास देखिए फर्स्ट फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों, यहाँ पे कि सम ड्यू क्या हो गया, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो सम ड्यू क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे सम ड्यू इज इक्वल टू वॉट, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो ये इंटरेस्ट, हमने इसको क्या बोला हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट इज व्हाट, हमने इसको ट्रू डिस्काउंट से दिखाया हुआ है। और जैसा कि हमें मालूम है, सिंपल इंटरेस्ट हम किस पे डिफाइन करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट पे डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हमने प्रिंसिपल अमाउंट क्या बोला हुआ है, प्रेजेंट वर्थ बोला हुआ है। सो मीन्स व्हाट, ट्रू डिस्काउंट इज व्हाट, सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ। तो इस हिसाब से हमारे पास सेकेंड फॉर्मूला क्या बनता है, TD, ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू व्हाट, PW इंटू N इंटू R अपॉन 100। Now next, सपोज जिससे हमने लोन लिया हुआ है उसको सडनली वापस पैसे चाहिए उसके, तो हम क्या करेंगे, बैंक के पास जाएंगे। एक बैंक के पास जाएंगे तो बैंक जिस डेट से हमें स्टार्ट करता है हमारे साथ काम करने के लिए, यहाँ पे इसका पैसा रिटर्न करने के लिए जो हमारे साथ हेल्प करेगा यहाँ पे, तो वो जो हमें डिस्काउंट देगा उसको हम क्या बोलेंगे, बैंकर डिस्काउंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बैंकर डिस्काउंट बोलेंगे। तो बैंकर डिस्काउंट किस पर डिफाइन किया जाता है, सम ड्यू पर डिफाइन किया जाता है। तो बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू व्हाट, सम ड्यू इनटू एन इनटू आर अपॉन 100। बैंकर डिस्काउंट इज व्हाट, इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू। ठीक है, अब बैंकर डिस्काउंट तो हमारा सम ड्यू पर डिफाइन होने के बाद अब क्या करना है, हमें यहाँ पे जो भी डिस्काउंट बैंक वाला हमें देता है उस डिस्काउंट को हम सम ड्यू से माइनस कर देंगे। उस डिस्काउंट को हम सम ड्यू से माइनस करेंगे तो जो भी अमाउंट हमें रिसीव होने वाला है उसको हम क्या बोलने वाले हैं, कैश वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैश वैल्यू। तो कैश वैल्यू क्या हो गया, सम ड्यू माइनस बैंकर डिस्काउंट। कैश वैल्यू इज व्हाट हियर, सम ड्यू माइनस बैंकर डिस्काउंट। ठीक है बच्चों, ओके नाउ नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या हमारे पास है, बैंकर्स गेन। ठीक है, बैंकर्स गेन यहाँ पे हमारे पास है, इसके दो फॉर्मूले हैं, एक
बी डी माइनस टी डी, बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, या तो फिर हम बोल सकते हैं बैंकर्स गेन क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट मीन्स टी डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो यहाँ पे जो हमारे पास बी जी होगा, बैंकर्स गेन जो होगा वो क्या होगा, बी डी माइनस टी डी होगा। यहाँ का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो बैंकर डिस्काउंट्स जो होगा उससे हम माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से बी जी मिल जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैंकर्स गेन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे 6 फॉर्मूले डिफाइन किए हुए हैं। ये 6 फॉर्मूले बहुत ही ईजी है बच्चों, आप अपने उसको माइंड में सेट कर लीजिए। अगर आपके माइंड में सेट हो जाएगा ये बच्चों, तो आपके लिए एक्सरसाइज 1.2 बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा। और इस फॉर्मूले में हमारे पास जो ये एन है, ये एन जो भी होगा आपके पास एक टाइम होगा, इस टाइम को हम क्या बोलेंगे, इन अ ईयर, इन अ ईयर्स। आप कभी भी इसको एन, एन को किस में दिखाने वाले, ईयर्स में दिखाने वाले। अगर वो मंथ में दिया हुआ है तो भी ईयर में कन्वर्ट करना है, डे में दिया हुआ है तो भी हमें इसको ईयर में कन्वर्ट करना है। जैसे कि आर आप सभी को मालूम है, आर क्या है यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि हमेशा वो परसेंटेज में होता है। क्लियर है, चलिए मूव करते हैं हम अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ अ सम ऑफ 10,920 ड्यू 6 मंथ हेंस एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे बच्चों में क्या पूछा है, प्रेजेंट वर्थ बोले तो पीडब्ल्यू पूछा हुआ है, जिसके लिए हमारे पास सम ऑफ 10,920 दिया हुआ है, मतलब सम डी हमारे पास दिया हुआ है। टाइम क्या दिया हमारे पास, 6 मंथ दिया हुआ है, 6 मंथ दिया हुआ है, तो इसको हमें ईयर में कन्वर्ट करना रहेगा, तो हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हेंस एट 8%, तो हमारे पास आर की वैल्यू दी हुई 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट व्हाट इज योर डेटा हियर, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास सम ड्यू दिया हुआ है, सम ड्यू इज इक्वल टू व्हाट, 10,920, आर की वैल्यू हमारे पास है 8%, आर इज व्हाट 8%, एंड एन हमारे पास दिया हुआ है 6 मंथ, बट हम यहां पे मंथ नहीं लिखेंगे, इसको हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे, तो 6 को हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, 1/2 ईयर मिल जाएगा। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है, प्रेजेंट वर्थ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा फॉर्मूला देखेंगे जो दिया हुआ है और जो फाइंड आउट करना है उनके रिलेशन का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि हमने फॉर्मूला देखा हुआ था कि सम डी क्या होता है, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट होता है, और ट्रू डिस्काउंट क्या होता है, प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 होता है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस टू फॉर्मूला वी विल ट्राई टू फाइंड योर प्रेजेंट वर्थ। ओके, तो यहां पे हम पहले बोलते हैं सम ड्यू, सम ड्यू इज व्हाट ईयर, पीडब्ल्यू प्लस ट्रू डिस्काउंट, हमें सम ड्यू का वैल्यू मालूम है, प्रेजेंट वर्थ वी हैव टू फाइंड आउट, टी डी ये भी हमें नहीं मालूम है, बट जैसा कि हमें मालूम है बाय द फॉर्मूला टी डी क्या होता है बच्चों, पी डब्ल्यू प्लस टी डी इज व्हाट, पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ठीक है, तो यहां से हम क्या करने वाले हैं, पी डब्ल्यू को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या मिल जाएगा हमें, 1 प्लस एन आर अपॉन 100। अब यहां पे वैल्यू को पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास एच डी कितना दिया हुआ है, 10,920 इज इक्वल टू पी डब्ल्यू 1 प्लस एन आर, एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/2 इंटू आर इज व्हाट 8% डिवाइडेड बाय 100। ओके, सो पी डब्ल्यू इन द ब्रैकेट 1 प्लस, यहां से हम कैंसिल करेंगे, 2 1 जा, दिस इज 2 4 जा। ठीक है, ये 4 जा होने के बाद इसको हम कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4 25 जा 100, तो क्या बचा आपके पास, 1/25। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा हमें, ये 26/25, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 10,920। अब हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 10,920 इंटू 25 ऊपर जाएगा और 26 यहाँ पे नीचे आएगा, दिस इज व्हाट प्रेजेंट वर्थ। ओके, अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको, तो 26 वन जा 26
फोर्जा इज वॉट 104, 5 बचेगा यहाँ पे तो ये 52 हो जाएगा, तो 26 बन जा, दिस इज 2 जा और ये 0, तो 420 इंटू 25। तो यहाँ से हमें पी डब्ल्यू क्या मिल रहा है बच्चों, 420 इंटू 25। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 10,500 रुपीस। तो हमारा प्रेजेंट वर्थ क्या हो जाएगा बच्चों, 10,500 रुपीस। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज सम ड्यू ऑफ 8,000 रुपीस ड्यू 4 मंथ हेंस एट अ 12.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या पूछा है, सम ड्यू पूछा हुआ है किसके लिए, 8,000 के लिए, मतलब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वर्थ हो जाएगा। ड्यू 4 मंथ, टाइम इज वॉट ईयर, पीरियड इज वॉट, 4 मंथ, ठीक है। तो इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे जो कि हमें क्या मिल जाएगा, 1/3 मिल जाएगा। एट वॉट रेट, 12.5%। ओके, स्टार्ट विद ईयर गिवन डेटा, तो हमारे पास क्या दिया है यहाँ पे, प्रेजेंट वर्थ दिया हुआ है 8,000, आर इज गिवेन 12.5%, एन इज गिवेन 4 मंथ, इसको हम ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे तो जो कि हमें क्या मिल जाएगा, 1/3 मिल जाएगा, बराबर है, ठीक है। चलिए, सो अगेन फॉर्मूला यार, देयरफॉर सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। तो प्रेजेंट हमें मालूम है, ट्रू डिस्काउंट नहीं मालूम है, तो वापस इस फॉर्मूले को हम कन्वर्ट कर लेंगे किस में, पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। यहाँ पे हमें सम ड्यू फाइंड करना है, प्रेजेंट वर्थ दिया हुआ है, ट्रू डिस्काउंट हमें नहीं मालूम था, तो हम क्या कर रहे हैं, ट्रू डिस्काउंट को भी इन टर्म्स ऑफ व्हाट, पी डब्ल्यू में चेंज कर ले रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं पी डब्ल्यू कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे अंदर क्या मिल जाएगा, 1 + n × r / 100। सो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर लेते हैं, व्हाट इज पी डब्ल्यू, 8,000, 1 + n, n का वैल्यू कितना है बच्चों, 1/3 × r इज 12.5/100, ठीक है। दिस इज इक्वल टू व्हाट, 8,000, 1 + यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ये 1/3 है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12.5/300, ठीक है। 12.5/300 है, यहाँ पे डेसिमल है, इसको रिमूव करने के लिए ऊपर नीचे मैं 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 8,000, 1 + 125/3,000। अब यहाँ पे मैं 125 वनजा बोलता हूँ और यहाँ पे मैं बोलता हूँ 125 से इसको मैं डिवाइड करता हूँ, डिवाइड करता हूँ तो मुझे ये मिलेगा 24। ये हो जाएगा बच्चों 8,000, 1 + 1/24। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8,000 × 21 = 24 + 1 = 25. अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें फाइनल आंसर क्या मिल जाता है यहाँ से, 8,333.33 रुपीस। तो यहाँ से हमारा सम ड्यू अमाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, 8,333.33 रुपीस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ट्रू डिस्काउंट ऑन द सम ड्यू 8 मंथ्स हेंस एट अ 12% पर एनम इज 560 रुपीस। सो फाइंड द सम ड्यू एंड प्रेजेंट वर्थ ऑफ द बिल। यहाँ पे देखिए बच्चों, मेरे पास क्या दिया हुआ, ट्रू डिस्काउंट ऑन द सम ड्यू ऑफ 8 मंथ, मतलब टाइम हमारे पास 8 मंथ दिया हुआ है, एट व्हाट परसेंट, 12% दिया हुआ है, तो हमारे पास ट्रू डिस्काउंट की वैल्यू कितनी है, 560 रुपीज है। तो हमें क्या फाइंड करना है, सम ड्यू फाइंड करना एंड प्रेजेंट वर्थ फाइंड आउट करना है। स्टार्ट विद गिवन ईयर, हमारे पास क्या क्या दिया यहाँ पे, टी डी दिया हुआ है, ट्रू डिस्काउंट इज व्हाट ईयर, 560, आर की वैल्यू हमारे पास है 12%, एंड हमारे पास कितना है, 8 मंथ दिया हुआ है,
बट इसको हम क्या करेंगे, ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा बच्चों 2/3, 4 2 जा 4 3 जा 2/3, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, सम ड्यू एंड प्रेजेंट वर्थ। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जो हमारे पास दिया हुआ है टी डी, जैसा कि हमें मालूम है टी डी क्या होता है, पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर लेते हैं, टी डी इज वॉट 560, पी डब्ल्यू वी हैव टू फाइंड आउट, एन का वैल्यू हमारे पास है 2/3, आर का वैल्यू है 12 अपॉन 100। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 560 इंटू 100 इक्वल टू पी डब्ल्यू, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा, ये 3 4 जा, ये बचेगा बच्चों अपने पास 2 इंटू 4। अभी 2 इंटू 4 बोले तो 8, फिर 8 को हम ला के यहाँ से डिवाइड कर देंगे, ये क्या मिल जाएगा 560 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू वॉट, प्रेजेंट वर्थ, ठीक है। अभी प्रेजेंट वर्थ हो गया यहाँ पे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 8 1 जा 8 7 जा 56, 70 इंटू 100 इज वॉट, ₹7,000। तो हमें यहाँ से प्रेजेंट वर्थ कितना मिल गया बच्चों, ₹7,000 मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास है, सम डी। जैसा कि हमें मालूम है सम डी का फॉर्मूला क्या होता है, सम डी इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। तो प्रेजेंट वर्थ हमारे पास कितना हो गया बच्चों 7,000, ट्रू डिस्काउंट कितना हमारे पास है 560, दोनों को ऐड किया तो 7,560 रुपीज, ये हो गया हमारा सम टी। क्वेश्चन नंबर 4, द ट्रू डिस्काउंट ऑन सम इज 3/8 ऑफ द सम ड्यू एट 12% पर एनम, सो फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल। सो फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल का मतलब बच्चों यहाँ पे एन का वैल्यू फाइंड करना है, एट वॉट रेट 12% हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हमारे पास, ट्रू डिस्काउंट ऑन द सम ड्यू इज वॉट 3/8 ऑफ द सम ड्यू, मतलब ट्रू जो ट्रू डिस्काउंट है वो 3/8 ऑफ किसका है, सम ड्यू का है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस हमें एन की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट विद गिवन ईयर, हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि जो ट्रू डिस्काउंट है वो क्या है, 3/8 किसका है, सम ड्यू का है, किसका है, सम ड्यू का है। और हमारे पास आर कितना दिया हुआ है, आर का वैल्यू हमारे पास है 12%, आर इज व्हाट 12%, एन हमें फाइंड आउट करना है, बराबर है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, जैसा कि हमें मालूम है कि सम ड्यू क्या होता है, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रू डिस्काउंट जो हमारे पास दिया हुआ उसकी वैल्यू को लाके पुट कर देते हैं, तो हमें यहाँ से सम ड्यू मिल जाएगा, व्हाट इज सम ड्यू, प्रेजेंट वर्थ प्लस 3/8 सम ड्यू, ठीक है, ये वैल्यू को लाके हमने पुट कर दिया यहाँ पे, सम ड्यू हो गया। देयरफॉर अब हम क्या करने वाले हैं, ये टर्म को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, सम ड्यू माइनस 3/8 सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स सम ड्यू माइनस 3 टाइम्स सम ड्यू डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ। अब 8 टाइम्स माइनस 3 टाइम्स इज अ 5 टाइम्स, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 5 टाइम्स एच डी अपॉन 8 इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ। बोले तो यहाँ से हमें प्रेजेंट वर्थ की वैल्यू क्या मिल गई, 5/8 इंटू सम ड्यू, ठीक है। बट अगेन हम कहाँ जाएंगे वापस, जैसा कि हमें मालूम है ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रू डिस्काउंट क्या होता है, प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, बराबर है, ये हमें मालूम है। बट अगेन जैसा कि ट्रू डिस्काउंट का तो ये फॉर्मूला ही है हमारे पास, बट ट्रू डिस्काउंट हमारे पास कितना दिया हुआ है, 3/8 सम ड्यू, तो वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं हम, 3/8 इंटू सम ड्यू इज इक्वल टू वॉट, प्रेजेंट वर्थ जैसा कि हमने फाइंड आउट किया हुआ है, कितना फाइंड आउट किया हुआ है, 5/8 इंटू सम ड्यू इंटू एन, हमको फाइंड आउट करनी है आर, आर हमारे पास 12% दिया हुआ है, सो 12/100 हो जाएगा, बराबर है।
अब यहाँ से देखिए, हमें यहाँ से सॉल्व करना है और एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, 3/8 सम ड्यू इज इक्वल टू 5 SD इंटू एन इंटू 12 अपॉन ये 8, नीचे के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 × 100 हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ से हम डायरेक्ट कैंसिलेशन स्टार्ट कर सकते हैं या फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ काम करते हैं, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जैसा कि ये मेरे पास 3/8 SD दिया हुआ है इंटू ये जाएगा ऊपर, सो 8 × 100 ये आ जाएंगे नीचे। नीचे आने का मतलब हो जाएगा बच्चों यहाँ पे आएगा तो ये 1/5 SD मिलेगा अपने को, ये 5 SD मिलेगा इंटू 1/12 हमने एन को यहाँ पे रखा हुआ है, एन को यहाँ पे रख के बाकी सब आपको ट्रांसफर किया हुआ है, डिनोमीटर से न्यूमीटर में जाएगा, न्यूमीटर से डिनोमीटर में आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये 8 को ये 8 कैंसिल कर लिया हुआ है, ये SD कैंसिल कर लिया हुआ है, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे नंबर बच रहे हैं, यहाँ पे कौन कौन से नंबर बच रहे हैं, यहाँ पे 3 × 100 अपॉन 5 × 12 विच इज इक्वल टू वॉट एन, ये नंबर हमारे पास बच रहा है। अब जैसा कि ये हो जाएगा 5 × 1, ये जाएगा 5 × 20, ठीक है। अब यहाँ पे हम बोल देंगे 4 × 3, ये हो जाएगा 4 × 5, और ये 3 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा बच्चों, 5 बचा। तो हमारे पास एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। और जैसा कि हमें मालूम है एन किस में होता है, हमारा ईयर्स में होता है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 5, 20 कॉपीज ऑफ अ बुक कैन बी परचेस्ड फॉर अ सर्टन सम पेएबल एट द एंड ऑफ 6 मंथ एंड 21 कॉपीज फॉर द सम सेम सम इन रेडी कैश, सो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब यहाँ पे हमें आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए बच्चों, हमारे पास दिया क्या वहाँ पे कि 20 कॉपीज ऑफ अ बुक कैन बी परचेस्ड फॉर अ सर्टन सम पेएबल एट द एंड ऑफ 6 मंथ। मतलब हम यहाँ पे 20 कॉपी बाय कर रहे हैं और आफ्टर 6 मंथ हम उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी होगा वो हमारा क्या होगा, सम डी अमाउंट होगा। 20 कॉपीज ऑफ अ बुक कैन बी परचेज फॉर अ सर्टन सम पेएबल एट द एंड ऑफ 6 मंथ। तो हमने जो 20 कॉपीज यहाँ पे बुक खरीदा हुआ है, 6 मंथ के बाद जो भी अमाउंट हमारा जाएगा वो क्या होगा, सम डी होगा। तो सम डी होने का मतलब हो गया बच्चों कि जो इसका कॉस्ट होगा प्लस यहाँ पे क्या आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा, टीडी भी आएगा। मीन्स वॉट, प्रेजेंट वर्थ ऑफ दिस बुक प्लस टीडी इज इक्वल टू वॉट, सम डी हो जाएगा, बराबर। नेक्स्ट, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 21 कॉपीज फॉर दिस सेम सम इन रेडी कैश। अगर आप यही अमाउंट, बोलने का मतलब होगा कि जो 20 कॉपी का आप जो अमाउंट 6 महीने के बाद दोगे, अगर वही अमाउंट आज मुझे रेडी कैश में देते हो तो आपको 21 कॉपीज मिलने वाली है। क्या मिल जाएगा, 21 कॉपीज मिलेगा। मतलब रेडी कैश अगर हम देते हैं यहाँ पे तो हमें कितनी कॉपी मिलती है, यहाँ पे 21 कॉपीज मिलती है, ठीक है। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे 20 कॉपी का जो कॉस्ट 6 महीने के बाद होगा वो समडी होगा। मतलब उसमें हमारे पास से क्या लिया गया है, इंटरेस्ट लिया गया है। किसने का इंटरेस्ट लिया गया है बच्चों, 20 कॉपी का इंटरेस्ट ऐड करके जो भी अमाउंट दोगे आप उसको 6 महीने के बाद, वो तुम्हारा क्या होगा, सम ड्यू होगा। बट अगर वही सम ड्यू आप आज के टाइम पे कैश में जमा कर देते हो तो आपको 21 कॉपीज दे रहा है। कितनी कॉपीज दे रहा है, 21 कॉपीज दे रहा है। मतलब एक कॉपी एक्स्ट्रा दे रहा है। एक कॉपी एक्स्ट्रा देने का मतलब हो गया बच्चों, यहाँ पे हमसे एक्स्ट्रा अमाउंट क्या ले रहा है, वो ट्रू डिस्काउंट ले रहा है। मतलब वो क्या ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है। किस पे इंटरेस्ट ले रहा है, वो इस 20 कॉपी पे इंटरेस्ट ले रहा है, ये उसके लिए एक्स्ट्रा अमाउंट होगा। बट अगर वही एक्स्ट्रा अमाउंट जो ऐड होने के बाद अमाउंट बनता है उसको मैं आज के ही टाइम पे जमा कर देता हूँ तो मुझे 21 कॉपीज मिलती है। मीन्स एक बुक एक्स्ट्रा मिलेगा यहाँ पे हमें, ठीक है। ये जो एक बुक एक्स्ट्रा मिल रहा है और यहाँ पे जो ट्रू डिस्काउंट एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, इससे हमें क्या पता चलता है कि ये एक बुक का जो अमाउंट होगा वो इस ट्रू डिस्काउंट के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए यहां पे हम बोल देते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज व्हाट, X रुपीज।
एक का हमने कॉस्ट बोल दिया एक्स रुपीस, सो देयर फोर द कॉस्ट ऑफ 20 बुक्स इज वॉट 20x, बराबर 20x। अभी जो 20x हो जाएगा अमाउंट इसका, तो जो हम 6 महीने के बाद देने वाले सम ड्यू होगा वही अमाउंट क्या होगा, सेम एज किसके होगा, एक बुक के कॉस्ट के देर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम बोल देंगे नाउ व्हाट कॉस्ट ऑफ 20 बुक्स इज सेम एज द, सेम एज द व्हाट कॉस्ट ऑफ 21 बुक्स। जो 20 कॉपी का अमाउंट होगा वही अमाउंट क्या हो रहा है, 21 कॉपीज के लिए हो रहा है, सेम एज द कॉस्ट ऑफ 21 बुक्स हो जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर जैसा कि हमने बात किया, हमें यहाँ पे एक बुक एक्स्ट्रा मिल रहा है, बट यहाँ से हमें क्या कर रहा है, वो अमाउंट भी एक्स्ट्रा ले रहा है, तो अमाउंट एक्स्ट्रा हमारे पास क्या हो रहा है, ट्रू डिस्काउंट हो रहा है। तो यहाँ से हमें ऑब्जर्वेशन से क्या मिलता है कि जो एक बुक का अमाउंट होगा वो क्या होगा, ट्रू डिस्काउंट का अमाउंट होगा। और ट्रू डिस्काउंट किस पे मिल रहा है बच्चों, हमें यहाँ पे इस 20 कॉपी के पीछे मिल रहा है। तो यहां से हम बोल सकते हैं देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन 20x फॉर 6 मंथ एट व्हाट रेट, एट द रेट आर परसेंट विल बी सेम एज व्हाट द कॉस्ट ऑफ, सेम एज द कॉस्ट ऑफ वन बुक। बोलने का मतलब हो गया कि एक बुक का कॉस्ट क्या हो जाएगा, इसके ट्रू डिस्काउंट पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम बोल देंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन बुक इज एक्स, क्या है वो, इंटरेस्ट है, किस पे इंटरेस्ट है, इस 20 कॉपीज के पीछे। तो यहां पे बोल देंगे 20x इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, बराबर। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 20x इंटू एन, एन की वैल्यू हमारे पास कितनी दी, यहां पे 6 मंथ दिया हुआ है, 6 मंथ बोले तो यहां पे हो जाएगा बच्चों 1/2 ईयर इंटू आर अपॉन 100। ठीक है, अब यहां से हम x x को कैंसिल कर देंगे, 21 1 जा 25 जा, बराबर है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 5 इज इक्वल टू 1/2 इंटू आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10, तो आर की वैल्यू क्या हो गई 10, सो इट इज आर ईयर, आर इज अ 10%। तो यहां पे बोल देंगे हेंस द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट एंड बैंकर्स गेन ऑन अ बिल ऑफ 4,240 रुपीज ड्यू 6 मंथ्स हेंस एट 9% पर एनम। ठीक है, फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हमें ट्रू डिस्काउंट फाइंड करना है, बैंकर्स डिस्काउंट फाइंड करना है एंड बैंकर्स गेन फाइंड करना है। ऑन द बिल ऑफ 4,240 ड्यू 6 मंथ, मतलब 6 महीना टाइम दिया, एन एन इज अ 6 मंथ मीन्स हाफ ईयर, एट वॉट रेट 9%, सो आर इज अ 9%। और ये जो बिल अमाउंट दिया हुआ है 6 महीने के बाद का दिया हुआ है, आफ्टर 6 मंथ का दिया हुआ है, मतलब 6 मंथ के बाद जो पेमेंट होगा वो हमारा क्या होगा, सम ड्यू होगा। 4,240 हमारे पास क्या दिया हुआ है, सम ड्यू का अमाउंट दिया हुआ है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस हमें फाइंड करना है टी डी बी डी एंड बी जी। ओके, तो स्टार्ट विद गिवन ईयर, हमारे पास क्या दिया हुआ है, उसके यहाँ पे सम ड्यू दिया हुआ है, सो सम ड्यू इज इक्वल टू कितना है हमारे पास बच्चों, 4,240, आर का वैल्यू है 9%, एन का वैल्यू है 6 मंथ
मीन्स वॉट, 6/12 विच इज इक्वल टू 1/2 ईयर्स, बराबर है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सम डी दिया हुआ है, तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से बी डी फाइंड कर लेते हैं। बी डी फाइंड कर लेते हैं, बी डी जैसा कि मालूम बी डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी डी इज इक्वल टू वॉट, इंटरेस्ट ऑन सम डी, बोले तो एच डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। अब एच डी की वैल्यू कितनी है, 4240, इंटू एन का वैल्यू कितना है 1/2, इंटू आर इज 9 अपॉन 100, ठीक है। सो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 4240 इंटू 1 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 100, बराबर, विच इज इक्वल टू, चलिए इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 1 जा, इसको डिवाइड कर, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 2 जा 0, 2 1 2 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 9, सो 2 1 2 0 इंटू 9 अपॉन 100, ठीक है। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये क्या मिल जाएगा हमें, 0 18, 9 1 जा 9 प्लस 10, 9 2 जा 18 हो जाएगा 19 अपॉन 100, ठीक है। इसको डिवाइड कर दिया तो मुझे क्या मिल गया यहाँ पे, 190.80 रुपीज़। तो हमारा बैंक का डिस्काउंट क्या हो जाएगा बच्चों, 190.80 रुपीज़, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, ट्रू डिस्काउंट चाहिए एंड बैंकर्स गेन चाहिए, ओके। चलिए नेक्स्ट, जैसा कि हमें मालूम है बैंकर्स गेन का फॉर्मूला क्या होता है, बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, ठीक है। देयरफॉर और ये चीज़ हमें यहाँ पे मालूम है कि बैंकर्स गेन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट होता है। बोले तो बैंकर्स गेन का फॉर्मूला क्या है, टी डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, वो हमने लाके पुट कर दिया यहाँ पे, यहाँ से बोल दिया बी डी माइनस टी डी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये प्लस में आ जाएगा, तो ये जाएगा हमारा टी डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, ये यहाँ पे आएगा, तो प्लस टी डी इज इक्वल टू बी डी, बराबर। अब ये होने के बाद टी डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 प्लस टी डी इज इक्वल टू बी डी हो गया यहाँ पे, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, टी डी कॉमन ले लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, टी डी अगर कॉमन लिया तो अंदर मिलता है एन इंटू आर अपॉन 100 प्लस 1 इज इक्वल टू वॉट, बी डी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर लेते हैं, तो ये क्या जाएगा बच्चों, टी डी इन द ब्रैकेट एन, एन की वैल्यू कितनी हमारे पास है 1/2 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास 9 है डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 इज इक्वल टू बी डी, हमने बी डी कितना फाइंड आउट किया हुआ है 190.80, तो यहाँ हो जाएगा 190.80, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टी डी इज इक्वल टू बोल सकते हैं यहाँ पे, सॉरी टी डी इंटू बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, 9/200 प्लस 1 इज इक्वल टू 190.80, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा टी डी इंटू 209/200 इज इक्वल टू 190.80। अब यहाँ से हम टी डी बोल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 190.80 इंटू 200 अपॉन 209, ठीक है। 190.80 इंटू 200 अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलता है यहाँ पे 38160 डिवाइडेड बाय 209, ओके। अब 38160 को 209 से डिवाइड करके अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ से कितना बच्चों, 182.58, 182.58, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट 182.58, ठीक है। अब हमारा बैंक का डिस्काउंट हो गया, ट्रू डिस्काउंट हो गया, अब क्या चाहिए हमें, बैंकर्स गेन चाहिए,
जैसा कि हमें मालूम है, हमने जस्ट अभी फॉर्मूला यूज किया था कि बैंकर्स गेन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। और हमें बैंकर डिस्काउंट कितना मिला था, 190.80 माइनस ट्रू डिस्काउंट कितना मिला हमें यहाँ पे, 182.58। अब अगर इसको मैं माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, 10 माइनस 8 इज अ 2, दिस इज 7 माइनस 5 इज अ 2 पॉइंट, और ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास 8, ठीक है, हो जाएगा 8.22 रुपीज़। तो हमारा बैंकर्स गेन कितना हो जाएगा, 8.22 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रू डिस्काउंट ऑन अ बिल इज 2,200 रुपीज़ एंड बैंकर्स डिस्काउंट इज 2,310 रुपीज़। इफ द बिल इज ड्यू 10 मंथ्स हेंस फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगेन आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो जिसके लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, ट्रू डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, 2,200। तो यहाँ पे हम बोलेंगे टी डी हमारे पास दिया हुआ है कितना है, 2,200 रुपीज़, एंड बैंकर्स डिस्काउंट 2,310। बोले तो बी डी का वही वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 2,310, ठीक है। और हमारे पास बिल इज ड्यू 10th मंथ, मतलब एन की वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, 10 मंथ दिया हुआ है। अब 10 मंथ का मीनिंग हो जाएगा 10/12 हो जाएगा, 10/12 इसको हम बोल सकते हैं 5/6 ईयर, 5/6 ईयर हो जाएगा, ठीक है। चलिए टी डी 2,200, बी डी 2,310 रुपीज़। तो यहाँ से हम पहले क्या कर लेते हैं, बी जी फाइंड कर लेते हैं, बैंकर्स गेन फाइंड कर लेते हैं। बैंकर्स गेन क्या होता है, बी डी माइनस टी डी। अब बी डी कितना है, 2,310 माइनस टी डी इज वॉट, 2,200। अगर हम माइनस करते हैं यहाँ पे तो हमें क्या मिलता है, 0,11 मीन्स 110 रुपीज़। हमारे पास बी जी कितना हो गया, 110 रुपीज़, ठीक है ना। ये तो बीजी का फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। अब हम बीजी का सेकंड फॉर्मूला यूज कर लेते हैं सेम यहाँ पे। जैसा कि हमें मालूम है बीजी का सेकंड फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, बोले तो टी डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। अब बीजी की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 110 मिला हुआ है। टी डी हमारे पास कितना दिया हुआ है, 2,200 रुपीज़, इंटू एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5/6 आर वी हैव टू फाइंड आउट डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब यहाँ से ये 2 जीरो हमने कैंसिल कर दिया हुआ है बराबर, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 110 × 6 अपॉन 22 × 5 इज इक्वल टू आर। तो 21, 22, 2 जा 1, ये हो जाएगा 5 जा, यहाँ से ये 5 कैंसिल, क्या बचा 6। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 6%। आर इज व्हाट, 6%। तो यहाँ पे बोल देंगे हेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%, ठीक है बच्चों।